हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे स्टूडियो में सीएट लिमिटेड को लेकर के। 2500 रुपए के आसपास का स्टॉक पहुंच चुका है। आज का हाई रहा 2512 रुपए का और क्लोजिंग आई 2470 रुपए की। लास्ट हाफ में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल गया, लेकिन स्टॉक ने आज क्या मैसिव मूव दिया है। लगभग 375 पॉइंट इंट्राडे में 17% और अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता हुआ स्टॉक हमें दिखा है। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा सीएट लिमिटेड को लेकर के। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फंडामेंटल्स, उसके बाद देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग वगैरह और भी बहुत कुछ, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका टेक्निकल चार्ट। तो सर ये स्टार्ट करते हैं आज के फंडामेंटल से। मार्केट कैप देखा जाए तो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, 999 का है इस टाइम पे। डेट इस पर देखा जाए तो 2595 करोड़ का है। डेट इक्विटी 0.67 की है, मतलब रिजनेबल है, एक से काफी कम है। फ्री कैश फ्लो देखा जाए तो 328 करोड़ का है। प्रॉफिट ग्रोथ 142% की है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 142% की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है। डिविडेंड भी कंपनी नहीं देती है, 0.53 का है। इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं है अभी। खैर हालांकि 10,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है, डिविडेंड दे भी सकती थी। चलिए जो सवाल बुक वैल्यू की बात किया है तो 850 रुपए की बुक वैल्यू देखने को मिलती है। ईपीएस 46 का है, बहुत साउंड है। और ये सारी चीजें, और प्रमोटर्स की होल्डिंग 47% की और प्लेजिंग 0 है। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग। अब देख लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में क्या देखने को मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 47% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईआई भी 23% होल्ड किए हुए हैं। डीआई भी 13% होल्ड किए हुए हैं। यहाँ पे 23% है, यहाँ पे 13% है, और पब्लिक के पास 15% होल्डिंग है। और क्या इसमें और भी कुछ देखने को मिलता है तो हाँ, 1.24% का तो लगभग लगभग कह सकते हैं कि 14% के आसपास मार्केट में फ्री फ्लोट जरूर देखने को हमें मिलता है। तो काफी कम फ्री फ्लोट मार्केट में सीएट लिमिटेड को लेकर के। एवआरएफ देखोगे अभी 1 लाख के ऊपर स्टॉक पहुंच चुका है और अभी भी बूम कर रहा है, क्योंकि ऑटो सेल्स जिस प्रकार से निकल के आ रही है। ऑटो को अब ऑटो लगेगा, ऑटो में टायर भी होंगे, तो टायर के सीएट टायर, एमआरएफ टायर, अपोलो टायर, इनके स्टॉक भी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। अगर ऑटो सेल्स बढ़ती हैं तो टायर स्टॉक में अपने आप ही ब्लास्ट होने ही जा रहा है। तो चलिए यहां पर ये देखने को मिल रहा है, इस बार का वीकली चार्ट है ये। फंडामेंटल तो देख लिया अपने, लेकिन वीकली चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अपने ऑल टाइम हाई पर है, और ऑल टाइम हाई कितने सालों बाद आया है, तो अपने ऑल टाइम हाई को 2018 के बाद से स्टॉक ने क्रॉस किया है। और ये देख पा रहे होंगे एक यहाँ पे मल्टीपल इनसाइड बार बने थे, और उसके बाद क्या आज ब्लास्ट हुआ है। वीकली चार्ट है ये, और अब कल की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर ये देखोगे तो और साइड से भी ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो डेफिनेटली दोनों तरफ से बढ़िया सा ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट पर, डेली चार्ट पर, दोनों तरफ से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है विथ मैसिव वॉल्यूम। अगर आप इंट्राडे में देखोगे, मतलब डेली चार्ट पर देखोगे, तो बहुत जबरदस्त वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। एक खड़ी हुई लकीर देखने को मिल रही है, और पिछले काफी समय से इतनी बड़ी, इतना बड़ा वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ से भी स्टॉक डेफिनेटली हमें 3,000 रुपये और 3700 रुपये तक के टारगेट जरूर मेट कराता हुआ दिख सकता है। सीएट टायर बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक और डेफिनेटली काफी अच्छा करेगा, क्योंकि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। लगभग लगभग 7 साल के बाद स्टॉक ने अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट ब्रेक किया है। तो यहाँ से हम टारगेट निकालने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। लॉन्ग टर्म के टारगेट है ये, डेफिनेटली काफी आने वाले काफी लंबे समय में ये टारगेट मेट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि ऑटो सेल्स वगैरह इंक्रीज हो रही हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं तो वाओ, ऑलमोस्ट 3,500 रुपये तक के टारगेट यहाँ से हम लेकर के चल सकते हैं। लेकिन ये लॉन्ग रन है, काफी लॉन्ग टर्म में के ही टारगेट है, शॉर्ट टर्म वाले तो यहाँ से एक छोटी सी अभी तो स्टॉक रिटेस्ट करने के लिए आएगा, और रिटेस्टिंग के टाइम पर ही ऐड करने की सोचे। अभी तो स्टॉक काफी ऊपर है, जब स्टॉक रिटेस्ट करने के लिए आए अराउंड 2170 रुपए के आसपास, और यहाँ पर एक कैंडल देखने को मिले, तब जाकर के स्टॉक को एडिशन बनता है। अदरवाइज अभी इन लेवलों पर खरीदने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ पर इनके एक्सपोनेंशियल भी देखोगे तो एक्सपोनेंशियल के सभी एक्सपोनेंशियल से स्टॉक काफी ऊपर ट्रेड अभी करता हुआ दिख रहा है। तो थोड़े से स्टॉक को भी कूल ऑफ होने दीजिए, बहुत ऊपर है अभी, कूल ऑफ होगा 2170 रुपए के आसपास आएगा। और स्टॉप लॉस के लिए क्या रखना चाहिए, तो स्टॉप लॉस 1800 रुपए के नीचे का हम पर लेके 1800 रुपए लेकर के चलते, 1873 रुपए का इसका सपोर्ट है, और 1800 रुपए का स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे इस स्टॉक में। और ऐड करेंगे अराउंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ऐड अराउंड 2163, यानी 2150 रुपए से 2200 रुपए के बीच में ही ऐड करना है। अभी कोई शॉर्ट टर्म में जाना चाहे तो एक दो लेके स्विंग ट्रेड वगैरह इस स्टॉक में बन सकते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से 20% के आसपास का मूव था, तो थोड़े से कॉशियस इस स्टॉक में जरूर रहना चाहिए। तो ये थे सीएट लिमिटेड को लेकर के टेक्नो फंडामेंटल्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर ये प्लीज यार। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में, धन्यवाद।